नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। गणतंत्र दिवस समारोह में पहली बार शामिल हो रहा राफेल। इस बार गणतंत्र दिवस के परेड में सेना अपना दम दिखाएगी। बता दें, इस बीच भारतीय वायुसेना ने 26 जनवरी की परेड में क्या खास होगा इसकी जानकारी दी है। इस परेड में निकलने वाले अपने मॉडल को डिस्प्ले किया, झांकी में क्या क्या विशेष होगा बताया है। बता दें, इस परेड में राफेल जेट भी हिस्सा ले रही है। इसकी जानकारी भारतीय वायुसेना के एयरफोर्स विंग कमांडर इंद्रनील नंदी ने दी। इस बार कुल 42 विमानों का इस्तेमाल परेड में किया जाएगा। बता दें, दिवस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेशनल वार मेमोरियल में जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह और राहुल से मिले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। दिल्ली दौरे पर गए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और केंद्रीय कोयला एवं खनन मंत्री प्रहलाद जोशी से भी मुलाकात किए। बता दें, इस दौरान सीएम श्री सोरेन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात को शिष्टाचार मुलाकात बताया। वहीं किसान आंदोलन एवं मंत्रिमंडल में नए लोगों को शामिल करने समेत कई मुद्दों पर सोनिया राहुल गांधी के साथ सीएम हेमंत सोरेन ने चर्चा की। पंचायत चुनाव कराने को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल। झारखंड में पंचायत चुनाव अविलंब कराने को लेकर सोमवार को झारखंड हाई कोर्ट में देवघर के जय प्रकाश पंडित ने जनहित याचिका दाखिल की है। बता दें, याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार तय समय में पंचायत चुनाव न कराकर कानून का उल्लंघन कर रही है। संविधान के अनुच्छेद 243 में स्पष्ट प्रावधान है कि कार्यकाल समाप्त होने के साथ ही चुनाव संपन्न करा लिया जाए, जबकि सरकार चुनाव को बेवजह टाल रही है। राज्य में दूसरे दिन 48 केंद्रों पर 2964 लोगों को लगाया गया टीका। टीकाकरण अभियान के दूसरे दिन सोमवार को राज्य के 48 केंद्रों पर सफलतापूर्वक टीकाकरण अभियान चलाया गया। बता दें, अभियान के तहत राज्य भर के 48 केंद्रों पर कुल 2964 लोगों को टीका लगाया गया, जिसमें सबसे ज़्यादा 185 लोगों को रांची में टीका लगाया गया। रांची में सदर अस्पताल के टीकाकरण केंद्र पर जहां सबसे ज़्यादा 77 लोगों को टीका लगाया गया, वहीं रिम्स में 59 और CHC नामकुम में 49 लोगों को टीका लगा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने लॉकडाउन की अवधि में व्यावसायिक बस के टैक्स में छूट देने की मांग की है। परिवहन व्यवसायियों की समस्या को लेकर चैम्बर के प्रतिनिधियों ने सोमवार को परिवहन विभाग के सचिव से मुलाकात की। प्रतिनिधियों ने बस के रोड टैक्स माफ़ करने संबंधी कैबिनेट की मंजूरी को प्रभावी करने और स्कूल बस के टैक्स के मसले पर चर्चा की। परिवहन विभाग के सचिव ने बताया कि वैसे व्यावसायिक बस के टैक्स को समायोजित किया जाएगा जिसके संचालन ने लॉकडाउन अवधि में कर का भुगतान कर दिया था। उन्होंने बताया कि स्कूल खुलने से एक दिन पूर्व तक के बस का टैक्स विभाग की ओर से माफ़ किया जाएगा। यातायात नियम का उल्लंघन करने वालों को अब जुर्माना भरने के लिए घंटों लाइन में खड़े रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बता दें, ऐसे चालकों से अब ऑन द स्पॉट जुर्माना वसूला जाएगा। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस की ओर से नई व्यवस्था की जा रही है। नई व्यवस्था के तहत जुर्माने की राशि नहीं बल्कि अब ATM में जमा ली जाएगी। इसके लिए फील्ड ट्रैफिक वैल्यूएशन रिकॉर्डर नामक डिवाइस खरीदी गई है। यातायात नियम का उल्लंघन करने वाले चालकों का डिवाइस के जरिए पहले चालान काटा जाएगा। अगर वह ऑन द स्पॉट पैसा जमा करना चाहते हैं तो ATM कार्ड स्वाइप कर राशि जमा कर सकेंगे। झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पाद का संरक्षण जरूरी है। आम जन को चाहिए कि वे सरल और सुगम कार्यान्वयन के लिए योग्य ईंधन संरक्षण उपाय को जीवन में अनिवार्य भाग के रूप में अपनाएं। वह सोमवार को झारखंड में तेल और गैस संरक्षण अभियान सक्षम 2021 के ऑनलाइन शुरुआत के मौके पर बोल रही थी। बता दें, 15 फरवरी तक चलने वाले अभियान का आयोजन तेल एवं प्राकृतिक गैस कंपनी के साथ पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संगठन की ओर से देश में किया जा रहा है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा की शुरुआत। मोराबादी मैदान में सोमवार से 17 फरवरी तक चलने वाले राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2021 की शुरुआत सोमवार को हुई। सांसद संजय सेठ, उपायुक्त छवि रंजन ने संयुक्त रूप से इसकी शुरुआत की। बता दें, कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों को सुरक्षित वाहन चलाने की शपथ दिलाई गई। इसके बाद बाइक रैली और जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। कार्यक्रम में सांसद ने लोगों से कहा कि वे जिला प्रशासन की ओर से चलाए जा रहे इस अभियान में सहयोग करें।
सड़क सुरक्षा से संबंधित नियमों का पालन अवश्य करें ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। झारखंड में 100 नए मरीज मिले हैं, जो रांची से 44, बोकारो से 2, पूर्वी सिंहभूम 17, गढ़वा 3, गोड्डा 1, गुमला 3, हजारीबाग 1, जामताड़ा 1, लातेहार 2, लोहरदगा 7, सरायकेला 1, रामगढ़ 1, पश्चिमी सिंहभूम 1, सिमडेगा से 1 मरीज मिले हैं। बता दें झारखंड में 4 लोगों की मौत हुई है, मृतकों में बोकारो से 2, रांची और धनबाद से 1-1 मरीज शामिल हैं। झारखंड में कुल मौत की संख्या 1054 है, वहीं एक्टिव केस 1190 है। भारत में 9972 नए मरीज मिले हैं, भारत में कुल मौत की संख्या 152593 है, वहीं एक्टिव केस 1,97,818 है। केंद्रीय सरना समिति और अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की बैठक सोमवार को RIT बिल्डिंग स्थित कार्यालय में हुई। बता दें इस दौरान सरना आदिवासी धर्म कोड के प्रस्ताव को राज्यपाल के बिना हस्ताक्षर के केंद्र सरकार को भेजने का आरोप लगाया गया। इसको लेकर आदिवासी संगठनों व आदिवासी सेगेल आंदोलन ने मोर्चा खोल दिया है। बिना हस्ताक्षर के प्रस्ताव को भेजने के विरोध में 21 तारीख को राजभवन समीप धरना दिया जाएगा। ठंड बाद झारखंड लौटेंगे शिक्षा मंत्री। चेन्नई के महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर के डॉक्टरों ने झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को नव जीवन दिया है। बता दें सफल लंग्स ट्रांसप्लांट से ही शिक्षा मंत्री ने कोरोना को मात दी है, अब वे बिल्कुल ही स्वस्थ हैं। उनके चाहने वालों अब अपने मंत्री को फिर से उसी अंदाज में अपने क्षेत्र में काम करते देखना चाहते हैं। बता दें बेबी देवी ने बताया कि झारखंड में अभी बहुत ठंड है, ठंड में थोड़ी कमी होने के बाद शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो घर लौटेंगे। गुमला में 3 बच्चों की मां के साथ सामूहिक दुष्कर्म। गुमला के बिशुनपुर प्रखंड के गुरदारी थाना क्षेत्र में एक महिला से 4 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। महिला 3 बच्चों की माँ है, वह जो भी पाठ बाजार से लौट रही थी उसी दौरान निनार पाठ गांव के मनोज मुंडा व उनके 3 अन्य मित्रों ने उन्हें अपने कब्जे में लेकर सामूहिक दुष्कर्म किया। घटना 14 जनवरी की है। 4 दिनों तक मामले को गुरदारी पुलिस ने छुपा कर रखा था। इसमें एक आरोपित की गिरफ्तारी के बाद मामले का खुलासा पुलिस ने किया। आवासीय विद्यालय खुले पर नहीं पहुंचे बच्चे। निजी और सरकारी स्कूलों में 10वीं और 12वीं की कक्षाएं शुरू होने के बाद सोमवार को कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को खोला गया। विद्यालय में 10वीं और 12वीं की कक्षा शुरू होने के पहले दिन कोई भी छात्रा स्कूल नहीं पहुंची, इस वजह से कक्षाओं का संचालन नहीं हुआ। सोमवार को कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कांके में सिर्फ 2 छात्राएं अपने अभिभावकों के साथ पहुंची। उन्होंने अपना सहमति पत्र विद्यालय की वार्डन को उपलब्ध कराया। ठंड में शिशुओं की बेहतर देखभाल जरूरी। ठंड का मौसम नवजात शिशु के लिए बेहतर संवेदनशील माना जाता है। बता दें इस मौसम में नवजातों में सर्दी, जुकाम, निमोनिया, डायरिया एवं गंभीर श्वसन की समस्या हो सकती है। इससे बचने के लिए नवजात शिशु को बेहतर देखभाल की आवश्यकता होती है। सावधानी बरत कर इस मौसम में होने वाली बीमारियों से उन्हें बचाया जा सकता है। इस संबंध में शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नरेश पंडित ने बताया कि बच्चों को हमेशा साफ सुथरा रखें, उन्हें बाहरी भोजन न कराएं। जब बच्चा 6 माह से ऊपर का हो तो उसे घर के बनाए हुए हल्के आहार दे। घर बैठे रिमोट कंट्रोल से साइबर अपराधियों ने उड़ाए 7500 रुपए। साइबर अपराधी लगातार लोगों के खाते में सेंध लगा रहे हैं। बता दें रांची के लालपुर इलाके के विराज नगर PNT कॉलोनी में रहने वाली विभा सिंह के खाते से 7500 रुपए उड़ा लिया गया। उनके खाते से रिमोट कंट्रोल ऐप के जरिए पैसे उड़ाए गए। इस मामले में विभाग सिंह की ओर से लालपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। विभाग सिंह ने अपनी शिकायत में बताया कि उन्हें साइबर अपराधी ने कॉल किया था। उसने खुद को BSNL अधिकारी बताकर कहा कि BSNL मोबाइल नंबर का KYC करा ले, अन्यथा मोबाइल नंबर बंद हो जाएगा। 31 जनवरी को यादव समाज का महाजुटान। झारखंड की राजधानी रांची में 31 जनवरी को यादव समाज का महाजुटान होगा। बता दें झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों से सांसद, विधायक के अलावा बड़ी संख्या में यादववंशी यहां शिरकत करेंगे। समाज की उन्नति और अधिकार पर चर्चा होगी। बता दें श्री कृष्ण विकास परिषद की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम की तैयारी शुरू हो गई है। धुरवा टंकी साइट में संपन्न हुई बैठक में कार्यक्रम की रूपरेखा पर चर्चा हुई एवं सफल आयोजन को लेकर 51 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। 6ठी JPSC मामले में झारखंड हाईकोर्ट में अंतिम सुनवाई 3 फरवरी को। झारखंड हाईकोर्ट में 6ठी JPSC से संबंधित कई याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इस दौरान जस्टिस SK द्विवेदी की अदालत ने कहा कि इस मामले से संबंधित सभी पक्ष अपनी प्लीडिंग पूरी कर ले। इसके बाद अदालत 3 फरवरी को अंतिम सुनवाई शुरू करेगी।
अदालत ने कहा कि जिनको इस मामले में जवाब दाखिल करना है या प्रत्युत्तर दाखिल करना है वह 1 फरवरी तक शपथ पत्र के माध्यम से अदालत में दाखिल कर ले। रांची से अहमदाबाद व पटना के लिए जल्द शुरू होगी नई उड़ान। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से जल्द ही अहमदाबाद और पटना के लिए हवाई सेवा शुरू होने वाली है। बता दें लॉकडाउन में हवाई सेवाएं बाधित हो गई थी, अब हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं तो हवाई यात्रियों की संख्या में भी भारी इजाफा हुआ है। मई में कोरोना वायरस के पीक समय में जहां बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से 7796 यात्रियों ने हवाई यात्रा की, वही दिसंबर 2020 में आंकड़ा 1,65,000 पर पहुंच गया। ऑनलाइन पढ़ाई का असर, 5 महीने में 4500 बच्चे आँख का इलाज कराने पहुंचे अस्पताल। कोरोना काल ने लोगों के जीवन में कई बदलाव लाए, कुछ बदलाव सकारात्मक रहे तो वहीं कुछ के नकारात्मक असर अब दिखने को मिल रहे हैं। बता दें कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए, इस दौरान बच्चों की पढ़ाई पर हो रहे असर को देखते हुए ऑनलाइन टीचिंग को शिक्षकों के साथ साथ अभिभावकों ने भी अपनाया, लेकिन अब ये बदलाव लोगों के लिए परेशानी का सबब भी बन रहा है। रिम्स के आंकड़े के मुताबिक पिछले कुछ महीने में आँख के मरीजों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है। बता दें रिम्स के IOPD में पिछले 5 महीने में 4500 से अधिक बच्चे इलाज कराने पहुंचे, जिसमें 2000 से अधिक को चश्मा लगाने की नौबत आ गई। नवंबर में धनबाद आ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान अपना 75वां साल मना रहा है। बता दें संस्थान का प्लेटिनम जुबली समारोह नवंबर 2021 में आयोजित होगा। इसे यादगार बनाने के लिए संस्थान में अभी से तैयारी चल रही है। बता दें इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ सकते हैं, इसके लिए सिफर PMO से अप्रोच कर रहा है। डिगवाडी परिसर में Coal-to-Methanol प्लांट विकसित हो रहा है, जिसके नवंबर तक पूरा होने की पूरी संभावना है। झारखंड के कई मंत्रियों का संबंध उग्रवादियों से, बाबूलाल मरांडी। धनबाद पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला है। बता दें बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य सरकार के कई मंत्रियों के उग्रवादियों से संबंध हैं। मेरे पास ऐसी सूचनाएं हैं कि मंत्री रात को सुरक्षा कर्मियों को छोड़कर उग्रवादियों से मिलने जाते हैं। राज्य में विधि व्यवस्था की स्थिति खराब हो गई है, आए दिन हत्या, अपहरण, लूट और दुष्कर्म की घटनाएँ घट रही है, सरकार चुपचाप बैठी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की 9, ऊर्जा विभाग की 2 और उद्योग विभाग की 1 लोक प्रदायी सेवा को झारखंड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम 2011 के तहत शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बर्ड फ्लू का कोई केस नहीं। राज्य में अब तक बर्ड फ्लू का एक भी केस नहीं मिला है। पशुपालन निदेशालय ने सोमवार को 266 नमूने जाँच के लिए कोलकाता भेजा है। बता दें अब तक 4280 सैंपल जांच के लिए कोलकाता भेजे गए हैं। पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान के निदेशक विपिन बिहारी माथा ने बताया कि अब तक भेजे गए किसी भी सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई है। उन्होंने कहा राज्य में कहीं से भी चिंताजनक खबर नहीं है। बता दें लोगों को कहा गया है कि पक्षियों के मृत मिलने पर घबराने की आवश्यकता नहीं है, मृत पक्षियों को छूना नहीं है। बर्ड फ्लू से संबंधित कोई सूचना या जानकारी देने के लिए राज्य हेल्पलाइन नंबर 9835153390 पर संपर्क किया जा सकता है। PM करेंगे देश के सबसे बड़े ट्राइबल म्यूजियम का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रांची में बनने वाले देश के सबसे बड़े ट्राइबल म्यूजियम का उद्घाटन करेंगे। बता दें इस संग्रहालय के माध्यम से अमर शहीद भगवान बिरसा मुंडा के अलावा जल, जंगल और जमीन तथा आत्मनिर्णय को लेकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले जनजातीय समाज के अन्य शहीदों के बारे में नई पीढ़ी को लाइट एंड साउंड और चित्रों के माध्यम से जानकारी मिल पाएगी। जनजातीय मामले के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सोमवार को रांची के पुराने जेल में बन रहे इस संग्रहालय का निरीक्षण कर निर्माण कार्य का जायजा लिया। धन्यवाद।